हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है भाई दूज और आज का व्लॉग मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ। वैसे तो मैं बहुत देर से काम कर रही हूँ, सुबह के 6 बजे से काम कर रही हूँ और मैंने खाना ऑलरेडी बना लिया है। आज मेरे घर आ रही है मेरी ननद और उसके किड्स यानी बच्चे आ रहे हैं और देवर आ रहा है और मेरी बहन आ रही है। तो देखिए, अभी आपको पता चल जाएगा आगे कौन कौन आ रहा है। तो चलिए चलते हैं किचन में और दिखाती हूँ कि मैंने अभी तक के क्या क्या बना लिया है। चलिए, तो ये है हमारा छोला, आप देख सकते हो। तो ये है हमारी आलू गोभी की सूखी मटर की सब्जी और ये है बच्चों के लिए पनीर, मैंने बनाई है शाही पनीर। शाही क्या आप कह सकते हो, उसे पनीर बटर मसाला स्टाइल में मैंने बनाया है बच्चों के लिए। इधर आलू अभी चढ़े हुए हैं, आप देख सकते हो। और ये है हमारा भटूरे का डव। तो इतना सामान मैंने अभी बनाया है, बस इतना ही सामान अभी मैंने बनाया है। अभी मुझे जो है राइस बनाना है यानी पुलाव बनाना है और क्या बनाना है, चटनी बनानी है, अनियन बनानी है भटूरे के साथ खाने वाली। और हाँ, नाश्ते में मैं कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, पोहा और साबूदाना मैंने भिगो दिया, साबूदाने की टिक्की। तो ये स्टार्टर्स हो जाएगा और खाना तो आपने देख ही लिया है। और कमेंट आया था कि आपने कंटेनर अभी तक दिखाए नहीं आपके किचन में कैसे लग रहे हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे लग रहे हैं। चलिए, वैसे तो किचन का टूर तो आप कर ही चुके हो मगर कंटेनर आपको दिखा देती हूँ कैसे लग रहे हैं मेरे किचन में। ये देखिए, ये है हमारे कंटेनर, आप देख सकते हो, शुगर टी और कॉफ़ी। और ये जो बड़े वाले कंटेनर आप देखते थे उनको मैंने नीचे साइड में कर दिया है। ये देखिए नीचे, इसमें भी सामान है और आप देख सकते हो ये मेरी किचन रैक का लुक है। ये देखिए फ्रेंड्स, सब लोग आ चुके हैं और आप आवाज़ से सुन सकते हैं कि सब लोग घर में आ चुके हैं। तो चलिए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं सबसे। है मेरी नन और इधर बैठी है अजूनी, रुद्र और ये मेरी मामा की बेटी, ये देखिए, और ये देखिए जो है तेजस, तेजस को तो जानते हैं। और ये मेरी जप्पू और एक छोटे से भी हैं, अभी वो आपको बाद में दिखाएंगे उनको। चलो खाओ सब लोग, अजूनी खाओ बेटा, चलो चलो जप्पू खाओ भैया। तो फ्रेंड्स, ये है नाश्ते में मक्खन, बच्चों के लिए है खासकर, और बच्चों को मक्खन बहुत ज़्यादा पसंद होता है, सर्दियों में मक्खन बहुत अच्छा लगता है। और आप ये देख सकते हो ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको पता है, ये लोग प्लो फाइटिंग कर रहे थे और सबने एक एक प्लो पकड़ ली थी और प्लो फाइटिंग करने लगे थे। फिर मैंने कहा कि पहले नाश्ता कर लो, स्टार्टर्स कर लो, उसके बाद में जो है बाद में खाना निकाल। अब मैं जा रही हूँ सबके लिए खाना निकालने, सब लोग उस वाले रूम में हैं, पीछे वाले रूम में, तो खाना निकालते हैं। चलिए, तो मैंने खाना निकाल दिया है। ये है भटूरे, ये है छोला, ये आलू और सोया की सब्जी, ये मसाले वाली प्याज, इसकी रेसिपी मैंने शेयर कर दी है, रायता, आलू गोभी की सब्जी, और मैंने बनाई थी पनीर की भी सब्जी और वो मैं रखना भूल गई, फिर मुझे याद आया तो फिर मैंने बाद में रखी। तो बस इतना ही सा खाना बनाया था आज मैंने। तो शिखा बना रही है भटूरे गर्मा गर्म और आप देख सकते हो, और खाना हम लोग बना रहे हैं, ये देखिए गर्मा गर्म भटूरे निकल रहे हैं, तो देख सकते हैं। और मैं इस समय बैठी हुई हूँ, मैं अभी कोई काम नहीं कर रही हूँ, बस खाना सर्व कर रही हूँ। चलो खाते हैं, खाना दिखा रही हूँ। जप्पू, जप्पू ये लो, जप्पू इधर हेलो कर दो, हेलो, और खा के बताओ कैसा बना है सब लोग। देखो कैसा बना, कैसा लगा, बढ़िया बना। मुझे पता है छोले किसी को पसंद है, मुझे बहुत पसंद, क्योंकि कड़वे में ये बहुत मन भर के, बहुत पेट भर के खाया, अभी बच्चे ने तो बहुत खाया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Shine bright up all night.
टीका हो चुका है और नितेश बैठे हुए हैं इधर, ये देखिए। हेलो एवरीवन, दिस इज नितेश सिंह राजपूत और ये मेरी बुआ है और ये मेरी दीदी है। दीदी 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 दोनों आ गए। ये और आप सभी को भैया नितेश शुभकामनाएं। हिंदी में क्या कहते हैं? शुभकामनाएं कहते हैं। हां वही इंग्लिश में कहते हैं बेस्ट विशेस। हाँ वो इंग्लिश वाला भी ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आई थी मतलब बच्चों के टीका लगाने की बारी, तो उनकी बहन लगा रही थी और देख सकते हैं कितनी शैतानियाँ हो रही हैं। ये देखिए मतलब एक दूसरे को मतलब कि एक मिनट भी बैठने नहीं दिया जा रहा था। और अगर मैं इसकी ओरिजिनल वॉइस सुनाती तो सब लोग चिल्ला रहे थे कि ये मत करो वो मत करो। तो सामने बेटा, सामने सामने बेटा, सामने बड़ा सा मुँह खोल के। हाँ क्लैपिंग। रूस को खिलाओ, वो अजूनी को खिलाओ, काव को खिलाओ। बदतमीजी तेजू, बदतमीजी नहीं करो तेजू, खिलाओ तो बदतमीजी ना करो, खिलाओ तेजू, खिलाओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है रुद्र को अजूनी टीका लगा रही हैं और रुद्र जो है मेरे देवर का बेटा है। तो बस ये भाई बहन जो हैं सब लोग आपस में इतनी शैतानी कर रहे थे और तेजस सबसे बड़े हैं तो बहुत ज़्यादा वो भी शैतानी करते हैं। और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो वाकई में बहुत ज़्यादा शैतानी होती है। और इन लोग की शैतानी आपको क्या बताऊँ। तो ये देखिए फ़ोटो खिंचाने की बात आ रही थी, तो देखिए कैसे सीरियस होकर फ़ोटो खिंचाई जा रही। शैतान मतलब ये तीनों जन जो हैं एक साथ, जो एक करेगा वही तीनों करते हैं। और आप सभी जानते हो कि बच्चों की आदत होती है। तो ये देखिए ये आ गई हैं अनन्या, तो दीदी की बेटी हैं वो आई हैं, वो भी तेजस को जो है टीका लगाती हैं भाई दूज में। तो देख सकते हो आप क्या हो रहा है, ये सब शैतानियाँ हो रही हैं आप देख सकते हो। Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing. सब लोग जा रहे हैं अपने घर धीरे धीरे करके और तेजस देखिए शैतानी कर रहे हैं। तो सब लोग जा रहे हैं अपने घर, बाय 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 बाय। तो फ्रेंड्स सब लोग जा चुके हैं और हम और तेजस बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तेजस खेल खेल के थक चुके हैं। और अभी मुझे जाना है मायके, क्योंकि आकाश और आशीष को मैं जो है वो टीका लगाती हूँ, तो और इसी वजह से मुझे जाना था। तो फिर मैं वहीं आऊँगी और जो है भतीजों को भी मैं लगाती हूँ, तो उन लोग को भी मैं लगाऊँगी। तो आपको पता है कि मैं सुबह मायके क्यों नहीं गई थी, अगर नहीं पता है तो मैंने रक्षाबंधन वाले ब्लॉग में बताया है। तो इस समय रात के बज रहे हैं 9:30 और सब लोग जा चुके हैं, तो अब मैं जा रही हूँ मायके। तो चलिए चलते हैं मायके। तो यहाँ पर मैं आशीष को टीका लगा रही हूँ, मैं मायके पहुँच चुकी हूँ और मैंने भतीजों को भी लगा दिया था, उसका वीडियो शूट नहीं किया। और यहाँ पर जो है मेरा आप चेहरा देख सकते हो, मैं कितनी उदास हूँ, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है। आप समझ सकते हो कि मेरा मूड क्यों ऑफ है। और ससुराल की जिम्मेदारी तो निभानी ही निभानी है, नंद आई थी घर तो वो तो निभानी ही पड़ेगी। तो फ्रेंड्स मैं मायके से आ गई हूँ, काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। इस समय बज रहे हैं रात के 11:30 क्यों 12:15 आप कह सकते हैं, और काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, खाना खा के मैं सीधे सोऊंगी। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, सुबह 6 बजे की जगी हूँ और तब से मैं काम ही कर रही थी। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ, कल फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।